हाय कंपनी, आई मीन बहुत खुशी हो रही है। 200 एपिसोड में सबसे पहले शुक्रिया अपने दर्शकों का करना चाहूँगा। आई थिंक सो उनके प्यार और सपोर्ट के कारण ही 200 एपिसोड्स हो चुके हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग बस ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो और ये 200 एपिसोड हम 2000 3000 4000 वहाँ तक पहुँचे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। उतार चढ़ाव तो आई थिंक सो वो हर शो में होते हैं और वो इतना मैटर नहीं करता है, बट हाँ जर्नी बहुत अच्छा रहा अभी तक का और आई एम श्योर आगे भी जर्नी बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। बस एक ट्रैवलिंग पार्ट जो मैं बोलता हूँ कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारा सेट बहुत दूर है, बट उसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स नहीं है। आई थिंक सो ये भी वन ऑफ द फेवरेट सीन यू कैन से बिकॉज होली है, तो एक्चुअली शूट से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इंजॉय कर रहा हूँ मैं, बेसिकली काम पे नहीं आया हूँ, बिकॉज आप देख ही सकते हो मेरा हाल और हमारी पूरे चंदेल फैमिली का हाल। सो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सो काफ़ी सीन्स है, एक में तो जहाँ मुझे गोली लगी थी और वो भी गोली मेरे बाप से ही खुद लगी थी मुझे, सो वो एक इमोशनल सीन था। फिर जब हंसिनी का पता चला कि वो बेवफा है उसका, वो इमोशनल सीन्स थे। तो काफ़ी है सीन्स जो आई थिंक सो एक बार बैठ जाता है, बट मैं घर तक लेके नहीं जाता, वो उधर ही रहता है। रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेके सीन में डाला मेरे को नहीं लगता मैंने कभी ऐसा डाला है, और आई होप कभी ऐसा वो मौका आए भी नहीं मेरे लाइफ में कि मैं इतना इमोशनल हूँ कि मैं सीन में मैं डालूँ। सो या फैंस को यही कहूँगा कि थैंक यू सो 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 मच कि आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया कि आज हम लोग 200 एपिसोड्स कंप्लीट कर पाए, और दिल से शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो कि हम लोग और आगे जाए और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें।